वालेकुम वेलकम टू दिस वीडियो आप देख रहे हैं मतलब फॉल जी मेरा नाम है मतलूब अली बहुत से लोगों को क्रिप्टो के बारे में जब बताया तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो उनके सामने आई अकाउंट बनाने और डिपॉजिट करने के बाद वो ये आई कि वो सिग्नल को किस तरह पिक करके किस तरह ट्रेड लें तो आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली इसको देखेंगे कि आपके सामने जब कोई चीज़ कोई क्वाइन का नाम बता दिया जाता है उसको आपने किस तरह ट्रेड करना है उस कॉइन को, को आपने ट्रेड किस तरह करना है और बाइनेंस के अंदर आपके कौन कौन से फ़ीचर हैं आप आपके काम के जो आपके बिगनर्स हैं बिगनिंग लेवल के ऊपर आपने किन किन फीचर्स को यूज़ करना है ये हम आज की वीडियो में देखेंगे तो आपको मेरे सामने बाइनेंस की स्क्रीन नज़र स्क्रीन पर बाइनेंस ऐप ओपन नज़र आ रही होगी अगर आपके सामने ऐसी एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रही यानी कि आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही और आपकी स्क्रीन इस तरह की है तो भी आपने परेशान नहीं होना ये अगर आपकी स्क्रीन अकाउंट बनाने के बाद इस तरह की है तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है इस निशान के ऊपर इस निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे इस निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सबसे लास्ट पे बाइनेंस प्रो का ऑप्शन है आपने बाइनेंस प्रो के ऊपर क्लिक कर देना है जिस तरह आप बाइनेंस प्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफेशनल मोड इसका ओपन हो जाएगा अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है नेक्स्ट हमारे पास है जी कि बाइनेंस के अंदर हमने अकाउंट बना लिया उसके बाद क्या करना है इसके अंदर आके हमें तो ये कोइंस नज़र आ रहे हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता तो यहाँ पे आपके सामने हॉट ट्रेंडिंग कोइंस आपको नज़र आ रहे होंगे बी एन बी बी टी सी अथीरियम और ऑन द स्पॉट ऑन द डे ये तीन कोइंस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं अब बी एन बी बाइनैंस का अपना कोइन है बी टी सी जो है वो आपको पता है आपने नाम सुना होगा बी टी सी इज़ द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज़ अथीरियम जो है वो दूसरी मेन करेंसी है अच्छा अब आ, क्रिप्टो करेंसी क्या है करेंसी क्या है इसकी वीडियोस जो है वो आ, चैनल के ऊपर मौजूद है आप जाके देख सकते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी व्हाट इज़ ब्लॉकचेन सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है अकाउंट में डिपॉजिट किस तरह करना है और ट्रेड किस तरह करनी है ये पहले भी बताया हुआ है उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको आपने यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है लेफ़्ट टॉप के ऊपर लेफ्टॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो पहली चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं यहाँ पे वेरीफ़ाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आल इज़ वेल आप डिपॉजिट कर सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल सेफ है आप अच्छा उसके बाद ये आपकी यहाँ पे सर्विसेज आपको मुख्तलफ दे रहा है कि आप इस ऑप्शन के अंदर किस ऑप्शन के अंदर जाके क्या क्या कर सकते हैं तो इनमें जो आपके काम के ऑप्शन हैं वो पी टू पी का ऑप्शन है पी टो पी क्या है यानी कि डॉलर परचेज करने और आ, सेल करने विदड्रा और डिपॉजिट का ऑप्शन जिसे हम कह सकते हैं इसी के अंदर आप जब ऊपर तीन लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पे पेमेंट मैथड्स आ जाएंगे जिसके अंदर आप अपने आ, बैंक अकाउंट डी पैसा अकाउंट वगैरह वगैरह ऐड करके विड्रा कर सकते हैं यहाँ पर आप डॉलर सेल कर सकते हैं बाई कर सकते हैं इसकी वीडियो भी मौजूद है हम कंप्लीट प्रोसेस के साथ आपको लाइव करके दिखाया हुआ है कि आपने डॉलर सेल और परचेज़ किस तरह करना है पेमेंट मैथड किस तरह ऐड करना है अब ए, उसके बाद अब आती है जी हमने डॉलर सेल कर लिया और प, या सॉरी डॉलर परचेज कर लिया उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपके जो डॉलर आप परचेज़ करेंगे पी टू पी से वो आपके आएंगे फंडिंग अकाउंट के अंदर अब फंडिंग और स्पॉट अकाउंट क्या है इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये इन लोगों ने बाइनेंस के अंदर ही चीज़ को एक ही दो अकाउंट में डिवाइड कर दिया है बाइनेंस के अंदर एक ही चीज़ को दो जगह डिवाइड कर दिया है स्पॉट में और फंडिंग में स्पॉट का क्या मतलब है स्पॉट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यानी कि ये या आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और फंडिंग जो है वो आपका नॉन ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें आपके डॉलर आते हैं यानी कि आपका डिपॉजिट आता है तो हम जो अकाउंट जो चीज़ हमारे पास फंडिंग के अंदर आएगी पहले सबसे पहले फंडिंग के अंदर आएगी पी टू पी के बाद तो वो आपने सिंपली उसको ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फंडिंग से फंडिंग को ऊपर कर लेना है स्पोर्ट को नीचे कर लेना है यहाँ पे आपने यू एस डी टी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने अमाउंट सेलेक्ट करके कन्फ़र्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके स्पोर्ट वैलेट में चले जाएंगे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब आपने सेल करना है इस क्वाइन को तो आपने स्पोर्ट को ऊपर कर लेना है फ़ंडिंग को नीचे कर लेना है फंडिंग को नीचे करने के बाद सॉरी फिर आपने स्पोर्ट के अंदर आना है इस ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है स्पोर्ट uh, ऊपर आ जाएगा फंडिंग नीचे आ जाएगा आपका डॉलर सेलेक्ट होगा आप यहाँ पे जितने डॉलर सेल करना चाह रहे हैं पाँच करना चाह रहे हैं दस करना चाह रहे हैं उसको वहाँ पे चले जाएंगे और ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होती है इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं चाहे आप दिन में दस मरत बाद इसको ट्रांसफ़र कर लें अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी कि हमें सिग्नल तो मिल गया जिस तरह के मैं आपको अपना व्हाट्सएप का सिग्नल ग्रुप ओपन करके दिखाता हूँ अगर आपने मेरे व्हाट्सअप का सिग्नल ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर आपको फ्री सिग्नल्स मिलते हैं आपका ये देखें हमने कल एफ़ आई की ट्रेड ली थी वो इन अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो टी हैं वो अपने हिट कर चुकी है तो मैं इसी एफ़ को ही आपके सामने एक डेमो देता हूँ आपको तो हमारे सामने इस तरह का सिग्नल आ जाएगा लिखा हुआ इस तरह का सिग्नल आ जाएगा या इससे पहले मैंने एक सिग्नल दिया था एन का कि आप एन एम आर को बाई कर लें बाई एन एम आर हेर एट थर्टी वन पॉइंट फाइव अब इसमें कौन सी रागर्टें ऐसे सिंपल सी बात लिखी हुई है जी आपने जो एन एम आर कोइन है सबसे पहले आपको यहाँ पे कोइन का नाम पता चल गया है एन एम आर अच्छा अब क्या करना है आपने आपने बाइनैंस के अंदर जाना है यहाँ पे आपने ट्रेड्स के अंदर जाना है ट्रेड्स के अंदर जाके आपने देख लेना यहाँ पे स्पोर्ट सेलेक्ट हुआ हुआ हो स्पोर्ट सेलेक्ट है हमारे पास अच्छा अब आपके सामने यहाँ पे बी चल रहा होगा क्योंकि या कोई और क्वाइंट चल रहा है तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर एन एम आर लिख देना है एन एम आर हमने लिखा तो हमारे सामने एन एम आर कोइन आ गया तो हमारे सामने एन एम आर कोइन आ गया अब यहाँ पे वापस आएँ तो मैंने आपको बताया था जी आपने एन जो है वो थर्टी के ऊपर सेल कर परचेज़ करना है यानी कि हेयर एड थर्टी वन पॉइंट फाइव यानी कि आप इकतीस शेयर या पाँच डॉलर के ऊपर इसको ख़रीदेंगे और बत्तीस शेयर या पाँच के ऊपर सेल कर देंगे सिंपल चीज़ है यहाँ पे आए यहाँ पे आके जब आप ये यह लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ होगा या मार्केट लिखा हुआ होगा इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने तीन तरह के पांच तरह के ऑप्शन आएंगे लिमिट मार्केट स्टॉप लिमिट ट्रेलिंग स्टॉप ओ सीओ आपने हमेशा जो मेरा सिग्नल पिक करना है उसमें लिमिट को यूज़ करना है मार्केट को या स्टॉप लिमिट को या ओ को अभी यूज़ नहीं करना ओ सी ओ हेल के ऊपर यूज़ करेंगे उसकी वीडियो भी चैनल के ऊपर मौजूद है कि ओ सीओ यानी कि स्टॉप लॉस और टी पी ए के वक्त में कैसे लगाते हैं हमने इसको लिमिट को सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था जी आपने इकतीस यार या पाँच के ऊपर को खरीदना है तो इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है पैंतीस शयरिया बतालीस तो अब आ, कुछ लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं जी ये तो पहले ही ऊपर चल रहा है भाई पहले ऊपर नहीं चल रहा आपको सिग्नल अभी दिया है तो आपने वेट करना है ये इकतीस शार या पाँच तक आएगा मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ वैसे हमारा ये टी पी हिट कर चुका है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर थर्टी वन पॉइंट फाइव के ऊपर जाके इसको ऐसे कर दूंगा अब मैंने कितना परचेज़ करना है आपके पास अगर सौ डॉलर है तो आपने ये नहीं करना है कि सौ डॉलर का एक ही जगह के ऊपर परचेज़ कर लें दो सौ का एक ही जगह के ऊपर परचेज़ कर लें या आपके पास वन थाउजेंड का अकाउंट है तो आप एक ही जगह पे हज़ार डॉलर का परचेज़ कर लें आपने अपने अकाउंट को चार हिस्सों में डिवाइड कर देना है जैसे कि अगर मेरे पास सौ डॉलर है मैं सौ डॉलर की चार इंट्रीज़ लूँगा यानी कि पच्चीस पच्चीस डॉलर की इंट्रीज लूँगा मुख्तलिफ जगह के ऊपर यानी कि अगर इकतीस से या पाँच से नीचे या तीस के ऊपर आता है तो मैं पच्चीस हज़ार की तीस के ऊपर एंट्री ले लूँगा इसको कहते हैं हम डी करना डी के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अकाउंट मैनेज मैनेजमेंट के ऊपर इसके बाद वीडियो आएगी आप उसको उसमें हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे उसको देख लीजिएगा लेकिन आपने एक चीज़ एक रूल यहाँ पे जहन में रखना है कि अपने सारे अंडे जो है एक ही वक्त में एक ही बास्केट के अंदर बास्केट के अंदर नहीं रखने इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आपने एक ही वक्त में एक ही क्वाइंट के अंदर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा देनी इसको पार्ट्स में करना है अब मैं चाहता हूँ जी मेरे पास वन सिक्सटी नाइन डॉलर हैं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे पचास डॉलर का परचेज करना चाह रहा हूँ ठीक हो गया मैं पचास लिखूंगा बाय एन एम आर लगा दूँगा ठीक हो गया इसको ओके कर दूंगा बाई एन एम आर लग गया मेरा तो अब ये क्या कह रहा है जी अब ये कह रहा है कि आपका जो आपके सामने ऐसा पेज उप, आ, ऐसा निशान आ जाएगा यहाँ पे मार्क आ जाएगा इसका क्या मतलब है कि आपकी बाई की लिमिट लग जाएगी अब आपकी बाई की लिमिट लग गई है आपने इसको सिंपली बाइनैंस को ऑफ कर देना है कोई टेंशन नहीं आपकी जब ये इकतीस या पाँच के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये परचेज़ हो जाएगा इसी तरह अगर हम सेल के ऊपर जाएँ तो मैंने एक कॉइन सेल परचेज़ करके रखा हुआ एस टी के तो ये देखेंगे मेरे पास सेल के ऊपर जब आप जाएंगे जब आपका कोई कॉइन परचेज़ हो जाएगा उसको हमने कैसे देखना है कि आपका कोइन परचेज़ हो गया आपका जब कोई कॉइन परचेज होगा तो आपकी ये वाली लिमिट खत्म हो जाएगी यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं हो रहा होगा जैसे कि एस टी आर क्या है मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा उसके बाद आपने जब सेल के ऊपर जाना है सेल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉइन्स की अमाउंट नजर आएगी कि मेरे पास सिक्स पॉइंट जीरो एट एस टी आर की एस टी आर के कोइन्स पड़े हुए हैं अब फर्दर आप यहाँ यहाँ पर फंडस के ऊपर क्लिक करेंगे फ़ंड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे शो हो जाएगा क्या शो होगा कि मेरे पास कितने एस टी आर के पड़े हुए हैं कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं एस टी आर के सिक्स पॉइंट जीरो एट कितने डॉलर के पड़े हुए हैं बारह शरिया सेवन एट डॉलर के ट्वेल्व पॉइंट सेवन एट डॉलर के उसके बाद मेरे पास यू एस डी टी कितने पड़े हुए हैं मैंने मैजिक परचेज़ किया था मैजिक मेरे कितने पड़े हुए हैं मेरे पास एन एम आर परचेज है एन एम आर कितने पड़े हुए हैं बाकी ये डेसीमल फिगर नीचे पड़ी हुई हैं इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छा आ, तो Uh, ये साथ में मुझे शो कर रहा है जी आप कुछ वक्त इसमें कितना लॉस हो रहा है कितने परसेंट का और कितने डॉलर इसमें पड़े हुए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्दर आप यहाँ पे आपको एक बुक का मार्क बुक टाइप मार्क नज़र आ रहा होगा आप इसको ओपन करेंगे जब तो आपको यहाँ पर आपकी सारी ट्रेड हिस्ट्री ओपन हो जाएगी आपके सामने ट्रेड हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि आपके पास Uh, कौन सा कोइन आपने सेल किया है कितने uh, कोइन थे किस प्राइस पे सेल किया है नंबर वन आपके पास आ जाएगा कितने कितनी अमाउंट थी कोइन्स कितने थे uh, उसकी आपने बाइनेंस uh, ने फीस कितनी कट की आपके पास टोटल कितने डॉलर आए पच्चीस शेयर या फोर uh, चार uh, फोर फोर अच्छा उसके बाद नीचे अगर आपने परचेज़ किया है कोई कोइन तो कितने uh, अमाउंट पे कितने अमाउंट का परचेज़ किया है कितने क्वाइंस परचेज हुए हैं कितनी फीस कट हुई है कितने डॉलर के परचेज़ हुए हैं ये सारी चीज़ें सारी हिस्ट्री ट्रेड हिस्ट्री के अंदर आ जाएगी आपने इसको देख लेना है आपकी ये ट्रेड हिस्ट्री आप इसको पिछले मंथ तक जाके देखना चाह रहे हैं तो आपको ये नज़र आ जाएगी यहाँ पे आपको ओपन आर्डर्स नज़र आ रहे होंगे वो आपको मेन पेज के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं ऑर्डर हिस्ट्री आपको आ रही है तो आपने ये ऑर्डर हिस्ट्री आपके काम की नहीं है सिर्फ आपने ट्रेड हिस्ट्री देखनी है यहाँ पे आगे अच्छा हम बात कर रहे थे जी आप सेल लिमिट लगानी है तो मिसाल के तौर पर मैं इसकी सेल लिमिट लगानी चाह रहा हूँ जी दो शर या पाँच के ऊपर टू के ऊपर टू पॉइंट फाइव मैं हंड्रेड परसेंट कर लूँगा एल, एस टी आर के कर दूंगा तो ये मेरी लिमिट लग जाएगी एस टी आर के की अब जब ये टू पॉइंट फाइव के ऊपर जाएगा ये मेरा ऑटो सेल हो जाएगा तो ये सिंपल सी चीज़ें आ, आपने सबसे पहले सिग्नल को देखना होता है कि आपने क्वाइन की जो आपको बाइंग प्राइस दी हुई है आपने बाइंग प्राइस के ऊपर एक तो परचेज़ करना है आ, जैसे कि एफ़ आई की अगर मैं बात करूँ नीचे आते हैं हम एफ आई ओ की ये बाइंग रेंजेस दो दी हुई थी मैंने के पहली एंट्री आप जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन टू के ऊपर लेंगे अगर ये फर्दर डाउन जाता है तो आप जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट के ऊपर दूसरी एंट्री डी सी एंट्री ले लेंगे इससे हम कहते हैं डी सी ए करना फिर टारगेट्स आपको दिए होते हैं फिर आपको एक स्टॉप लॉस दिया हुआ हो होता है कि अगर ये जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन को क्लिक करता है तो आप हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा अच्छा साथ में बज़ दफ़ा हम आ, हम लोग आपको ग्राफ दे देते हैं जी पॉसिबल सिनेरियो मार्केट का ये बन रहा है ये एफआईओ का ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा तो ये सारी चीज़ें हम ग्रुप के अंदर आपको बता रहे हैं आपने सिंपल इसको फॉलो करते जाना है आपका अकाउंट ग्रो होगा और अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो मैंने ग्रुप के अंदर रिपोर्ट सेंड की थी जनवरी से अब तक की मार्च ए, एट ऑफ मार्च तक की तो हमारे दो स्टॉप लॉस सिर्फ हिट हुए थे उसके बाद हमने जितनी भी ट्रेड्स ली थी सब के हमारे पास टेक प्रॉफिट हुआ है उसमें अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा ग्रुप का डायरेक्ट आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और सिंपली आप ग्रुप को फॉलो करें जो बातें आपको बताई जाती हैं उनको फॉलो करें तो आपके इन शाला यहाँ पर आप प्रॉफिट गेन करेंगे तो ये थी आप के साथ आज की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कुछ लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी स्पोर्ट में पाई और परचेज़ के अंदर तो ये क्लियर करने की कोशिश की है उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़